तो देखो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा कि हम लोग ना आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स की, ठीक है। लेकिन दिमाग में कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोगों को 10th का ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो जब हम 10th का ग्रुप बनाएंगे तो आपको ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो 9th में आप सीखे जा रहे हो और 10th में आपके काम आएंगे। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि आपकी स्कूल की जो टीचर है तो वो भी 9th के वही कॉन्सेप्ट आपको देकर चलेंगे। तो आज सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, तो पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट समझो। इन कॉन्सेप्ट के बाद मैंने आपको जो लास्ट असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज एक बात ध्यान रखो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, वो ये आपके पास में है कि कोई भी, अगर आपके पास में पॉलीगन है, अगर आप कोई भी पॉलीगन लेके चलोगे तो पॉलीगन के जितने भी एंगल्स होते हैं, किसी भी पॉलीगन के जितने भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है आपके पास 2n-4 इनटू कितना होता है आपके पास 90 डिग्री होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखो कि किसी भी पॉलीगन के जितने भी एंगल्स हैं उन एंगल्स का सम होता है 2n-4 × 90 डिग्री। अब मैं आपसे एग्जाम्पल लेके चलूंगा, ट्राइंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? थ्री। थ्री तो सम कितना होगा? 2 × 3। 2 × 3 कितना होगा? सिक्स 6 − 4 कितना होगा? 2 × 90 कितना होगा? फोर ठीक है, फोर तो ट्राइंगल्स के एंगल का सम कितना होगा आपका? 180 डिग्री होगा। हाँ है ना? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके पास, हाँ, 2n, 2 × n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, अगर मैं आपसे कोई क्वाड्री लेटरल की बात करता हूं तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितनी साइड्स होती फोर हैं? 4 होती हैं। तो आपके पास n की जगह पे कितना आ जाएगा? 4। तो 2 × 4 कितना होगा? 8 8। 8 − 4 कितना होगा? 4। 4 × 90 कितना होगा? 360 360। तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। ये बात आपको याद रहेगा, यस क्लियर सर। है? अच्छा देखो, अब मैं आपको दूसरी चीज समझाता हूँ। देखिए, जो काम की चीज है वो ये आपके पास में कि जब कभी लाइंस के बारे में बात चलती है तो लाइंस होती हैं आपके पास इस तरीके की। ये लाइंस हैं आपके पास, कैसी लाइंस? सेक्टिंग इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये लाइंस आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा जब भी कभी कोई सी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो ये कुछ एंगल्स बनाती हैं, ये ए और ये बी, और ये बनाती हैं सी, और ये बनाती है आपके पास में डी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के ये जो एंगल्स हैं इन्हें क्या बोलते हो? वर्टिकली अपोजिट ठीक है, एंगल्स। तो आप इनको बोलते हो कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल्स आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि ए के सामने बी, तो ए और बी आपस में इक्वल होंगे, और सी और डी आपस में इक्वल होंगे, तो ये कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट आप हमेशा याद रखोगे, दो लाइनें इंटरसेक्ट होंगी, आमने सामने के एंगल्स कहलाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों का जो रिविजन करा रहा हूं, मतलब मैं आपकी कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं आपको लाइन्स रिवाइज करा के चलूंगा, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्ग्रेंसी रिवाइज करा के चलूंगा, सारे जो एंगल्स होते हैं वो एंगल्स रिवाइज करा के चलूंगा। अगला असाइनमेंट मैं आपको जो तैयार करके दूंगा उसके अंदर लाइन्स होंगे, एंगल्स होंगे, ट्राइंगल्स होंगे। तो लाइन्स का, एंगल्स का और ट्राइंगल्स का एक असाइनमेंट अगला मैं आपको तैयार करके दूंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में आप जो आएंगे तो मतलब वेडनेसडे को वो आप असाइनमेंट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर। इस वीक के अंदर हम आपको जो डाउट्स लेके चलेंगे वो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के और सर्कल्स के लेके चलेंगे। ठीक है, और कल सरफेस एरिया वॉल्यूम का और सर्कल्स का मैं आपका टेस्ट लेके चलूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम का असाइनमेंट दिया और सर्कल्स आपको मैंने पूरा रिवाइज करा दिया था, याद है? देखो, अब तीसरी चीज है मेरे पास, लाइन्स है पैरेलल लाइन्स। तो ये लाइन्स कैसी हैं? ये लाइन्स है मेरी पैरेलल लाइन्स। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि ये लाइन्स होती है पैरेलल लाइन्स। अब पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट करती है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? ठीक है जी, इस लाइन को आप हमेशा ट्रांसवर्सल का नाम देते हो कि ये लाइन क्या कहलाती है? आपकी ट्रांसवर्सल कहलाती है। अब देखो, ट्रांसवर्सल के अंदर बहुत प्यारे प्यारे एंगल्स बनते हैं, पहले समझना ध्यान से। पहले जो सबसे ज्यादा पॉपुलर एंगल बनता है उनको समझो। देखो, ये अंदर का ए और ये होगा आपके पास में बी, ये अंदर के दो एंगल्स हैं। ये अंदर के एंगल्स इंटीरियर है, मतलब को इंटीरियर है। को का मतलब साथ साथ रहने वाले, तो आप को का मतलब लिखोगे साथ साथ रहने वाले। तो ए का और बी का जो सम है वो कितना होगा आपका? 180। 180 डिग्री होगा। अब इन द सेम वे ये जो एंगल है आपके पास सी का और ये जो आपके पास में डी का, ये सी है और ये डी है, तो ये भी अंदर वाले एंगल्स हैं। तो सी का और डी का जो सम है वो भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और इसका मतलब आप क्या समझोगे? इसका मतलब आप समझोगे कि ये जो को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर
कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री. तो को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो को इंटीरियर एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब ए का और बी का सम भी 180 होता है और सी का और डी का सम भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है. मुश्किल लगा? यहां तक का याद रहेगा आप लोगों को हमेशा. वेरी गुड. अब देखिए, अब हमारे पास इसी रेंज के अंदर हमारे पास एक अगला तरीके का एंगल आता है जो बहुत पॉपुलर है, तो मैं आपको बहुत आसानी से सिखा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा. आप इसमें देखते हो कि जेड कहाँ पर बन रहा है, तो मान लो देखो जेड बन रहा है आपके पास कुछ इस तरीके से. जेड बन रहा है, ये बन रहा है ना, जेड बन रहा है आपका. तो जब भी कभी जेड बनेगा तो ये बनेंगे आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो ये बना पी और क्यू बन गया. तो आप लिखोगे कि ये जो मेरा पी है ये क्यू के इक्वल है और ये मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर. आपने लिखा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप याद रखोगे इन द सेम वे. देखो यही जो जेड है आपका, जरूरी नहीं कि आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करोगे, आप राइट से भी स्टार्ट कर सकते थे और ये जेड आपका ऐसे भी बन सकता था. तो ये एंगल आपके पास है आर और ये एंगल आपके पास एस. तो आप लिखोगे कि मेरा जो आर है वो एस के इक्वल है, मतलब ये भी मेरा Z के अंदर बनने वाला एंगल है, मतलब ये मेरा एक ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. हाँ या ना, ये बताओ. ठीक है, क्लियर? बोलना. चलो अच्छा देखो, अब हमारे पास में अब फोर्थ के बाद आप आओगे फिफ्थ पर. देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूँ मैं आपको. ठीक है, अब फिफ्थ आपके पास में देखो हमारे पास यही लाइंस होंगी, एक लाइन ने कट किया होगा और इस बार अगर एंगल यहां पर है तो अगला एंगल कहां पर होगा? उसके ऊपर होगा. मतलब ये लाइन के ऊपर वाला तो अगला भी लाइन के ऊपर वाला. ये ए तो ये कितना होगा आपका? बी होगा. इन द सेम वे ये कितना होगा? सी. तो ये कितना होगा आपके पास में? डी होगा. तो आपने कहा ए और बी इक्वल होंगे, आपने कहा सी और डी इक्वल होंगे. इन द सेम वे लाइन के नीचे वाला कितना आपके पास? ई. और लाइन के नीचे वाला कितना है? एफ. तो आपने कहा ई और एफ भी इक्वल होंगे. और इन द सेम वे लाइन के नीचे वाला ये कितना है? जी. तो ये भी लाइन के नीचे वाला होगा एच. तो आपने कहा जी और एच इक्वल होंगे. मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ आपको. देखो सुनो, चार चीजें क्या बन सकती हैं. देखो ये लाइन ने कट किया तो लाइन के ऊपर वाला एंगल है, तो ये भी लाइन के ऊपर वाला एंगल है, तो क्या बन गया आपका? ए और बी इक्वल है. ठीक है, इन द सेम वे राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड भी हो सकती थी. लेफ्ट साइड के भी ऊपर वाले एंगल्स होते, क्या होता है आपके पास? एक होता आपके पास सी और एक होता आपके पास में डी. तो आप क्या कहते हैं कि सी और डी भी इक्वल है. अब इन द सेम वे क्या होता है कि ये लाइंस होती, एक लाइन कट करती और लाइन के नीचे वाला तो अगला भी उसके सामने लाइन के नीचे वाला, क्या होता है? ई और एफ होता. ठीक है, अच्छा इन द सेम वे अगर आप ऐसे करके कट करते, ये भी लाइन के नीचे वाला एंगल है जी, तो अगला भी लाइन के नीचे वाला एंगल है एच. तो जैसे कि यहां पर ई और एफ इक्वल है, यहाँ पर G और H इक्वल होंगे. ये सारे एंगल्स क्या कहला रहे हैं वाले? शाबाश. तो इनको बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स. ये अपने आप में इक्वल होते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स. ये अपने आप में इक्वल होते हैं, याद रहेगा आप लोगों को? पक्का? yes, तो लाइंस क्लियर हो गई, एंगल समझ में आ गए. अब देखो अगर आपके इसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हमेशा कितनी क्या बनाती है? 180 डिग्री. तो जब भी कभी ए O, B is a line. तो आपके पास A, O, B is a line हो, तब उस केस में ये जो पूरा एंगल A, O, B है, ये कितना होगा? 180 डिग्री. अब हो सकता है कि इसी एंगल A, O, B के टीचर ने दो पार्ट कर दिए. मैं ये नहीं कह रहा कि बराबर पार्ट करे, लेकिन दो पार्ट कर दिए, कोई छोटा कोई बड़ा. तो यहां पर आपके पास एक पार्ट हो गया आपका स्मॉल A और एक पार्ट हो गया आपका स्मॉल B. तो आपके पास ए का और बी का जो सम है ये हो गया 180 डिग्री. अब क्योंकि ये दो पार्ट है इसलिए आप इसको पेयर बोलोगे, तो ये बन जाएगा आपका लीनियर पेयर. ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही पार्ट होंगे, हो सकता है टीचर तीन पार्ट कर दे. अगर टीचर तीन पार्ट करेगी तब ये पेयर नहीं कहला सकता, चीज वही रहेगी आपके पास. आपके पास बेटा ए बी है, आपके पास बी बी है और आपके पास ओ बी है. तो ए ओ बी और यहां से आपने एरो बना दिया. ठीक है, और टीचर ने कहा एक और एरो बना दो, और टीचर ने एक और ना, वो कहती मेरी भी बात मानो, और एक और टीचर आ कहती तुम्हें मेरी बात भी सुननी पड़ेगी. तो उसने क्या लिखा, एक ने नाम रखा पी, एक ने नाम रखा क्यू,
एक नाम रखती हैं इसका आर, एक इसका नाम रखती हैं एस और एक इसका नाम रखती हैं एक्स। तो ये सारे पार्ट है तो ए ओ बी के, तो पी क्यू आर एस और एक्स सारे मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। अब इसको लीनियर पे नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे ए ओ बी इज अ लाइन, क्योंकि ए ओ बी क्या है आपके पास, ये पूरी लाइन है। अब इस लाइन के अंदर जितने मर्जी एंगल्स आपके पास बनते हो, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब अगली चीज, एक और चीज में समझो, इसको बोलते हैं आप एंगल बाइसेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बच्चे ना समझ नहीं पाते इस चीज को, एंगल बाइसेक्टर। मैं समझाता हूँ आपको, देखो एंगल बाइसेक्टर का मतलब है जो एंगल को क्या करता हूँ, टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करता हूँ। अब देखो जैसे पी क्यू, नहीं बेटे बाइसेक्टर, बाइसेक्ट करने का मतलब है बाइसेक्ट करना, बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्टर तीन पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। शाबाश, देखो हमने क्या करा, यहाँ से एक बाइसेक्टर लिया और यहाँ क्यू से एक और बाइसेक्टर लिया, तो ये दो क्या है, बाइसेक्टर है, ये ऊपर है। अगर टीचर आपसे कहती है कि ये जो पीओ है, सुनो, टीचर आपसे कहती है कि पीओ बाइसेक्ट एंगल पी, इसका मतलब क्या है कि ये पीओ एंगल पी को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अभी दो इक्वल पार्ट्स ओपी के लेफ्ट वाले भी होंगे, जैसे वो पीओ की बात करेगी तो आप ओपी की बात करेंगे, तो ओपी के लेफ्ट वाला पार्ट भी होगा और ओपी के राइट वाला पार्ट भी होगा। मतलब ये क्या होगा, एंगल ओपी के लेफ्ट वाला ओपीएस और ये एंगल ओपी के राइट वाला ओपी क्यू, तो ओपीएस और ओपी क्यू भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब टीचर आपसे कहती है कि ओ क्यू बाइसेक्ट्स एंगल क्यू, भाई टीचर ने कहा कि ये जो आपका ओ क्यू है ये बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल क्यू को, तो आप इसमें लिखोगे, ये ओ क्यू की जगह टीचर से क्यू ओ भी बोल सकती है, तो आप इसे लिखोगे ओ क्यू से आप गए पी पर, तो ओ क्यू से आप गए कहां पर, आर पर गए, तो ओ क्यू से कहां पर जाओगे पहले आप, फिर ओपी से फिर आर पर जाओगे, तो ओ क्यू पी और ओ क्यू आर कैसे एंगल्स हैं, इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है, तो ये बाइसेक्टर पार्ट याद रहेगा, इक्वल पार्ट्स याद रहेगा, कोई डाउट यहां तक नहीं है, चलो ठीक है। अब धीरे धीरे देखो, अब अगली चीज पर आते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्लियर हो गया। अब हमारे पास भी टीचर हमसे कहती है कि कॉन्ग्रुएंसी बताओ, कि कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी होती है, तो कॉन्ग्रुएंसी में आपको सबसे पहले कौन सी याद आएगी, एस एस, ये सबसे आसान है, साइड साइड साइड, इसमें आपके पास कितने ट्राइंगल होंगे, दो ट्राइंगल्स होंगे, हर ट्राइंगल के पास कितनी साइड होंगी, तीन साइड होंगी, तो अगर एक ट्राइंगल आपका ए बी है, एक साइड ए बी है, तो अगली साइड क्या होगी, एक साइड आपके पास में बी सी है, तो अगली साइड क्या होगी, क्यू आर, एक साइड अगर आपके पास ए सी है, तो अगली साइड क्या होगी, पी आर, ये तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, अगर तीनों साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, एस 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 लगेगी। अब देखो, अब आप दूसरी कॉन्ग्रुएंसी लेके चलते हो, दूसरी कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, एस ए एस, आपने कहा एस ए एस, इसका मतलब क्या है, साइड एंगल, साइड है और एक एंगल है, तो दो साइड ले ली, मान लीजिए आपने क्या लिखा, एक ए बी लिया, अगली क्या ली, पी क्यू, पी क्यू, अब आपने एक ए सी ले ली, शाबाश, अब आपके पास कौन सा एंगल बराबर होगा, जो दोनों साइड्स के बीच में आता होगा, तो देखो दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ए बी और ए सी में कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, और पी क्यू और पी आर में कौन सा एंगल आ रहा है, पी, तो इसका कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल ए और एंगल पी इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, तो अगर एंगल ए और एंगल पी इक्वल है तब जाकर आपका एस एस लगेगी, ये बात याद रखिएगा, ऐसा मत कर देना कि ए बी और ए सी इक्वल है और एंगल सी इक्वल है और उसका एंगल क्यू इक्वल है, उन्हें आप कह दो कि नहीं कॉन्ग्रुएंसी लग गई, कॉन्ग्रुएंसी कब लगेगी, जब इन दोनों साइड्स के बीच के एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। अच्छा देखो, अब ऐसे इसके बाद देखो बच्चों, मुझे एक बार बताओ, मैं आपसे बिल्कुल सच पूछना चाहूंगा, देखो आपके अगर कोई डाउट्स होते हैं तो मैं आपकी डाउट्स की क्लास रखता हूँ, और मैं आपका रिविजन कराने के लिए रिविजन की क्लास रखता हूँ, और प्रैक्टिस कराने के लिए आपकी प्रैक्टिस क्लास रखता हूँ, और आपके टेस्ट भी लेके चलता हूँ। आप मुझे बताओ कि एक बच्चा अगर टॉपर बनना चाहता होगा अपनी क्लास के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर, उसे इसके अलावा और क्या करना चाहिए होगा, बस, तो ये प्रैक्टिस किसको करनी है, हमें, है ना, तो इसको आप ईमानदारी से कीजिएगा, मतलब मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करो, ये सारे जो मेरे काम है मैं तो करवा ही रहा हूँ ना आपको,
है ना। तो मैं आपसे फिर ये कह रहा हूँ, देखो बच्चों आपको रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको रोज हर रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, और आपको जिन चीजों के लिए मेरी जरूरत जहां पर भी पड़ती है मुझे बताना चाहिए, मैं आपकी सच में हेल्प करूंगा। ठीक है, अब देखो, अब एस एस कॉन्ग्रेंसी के बाद अगली कॉन्ग्रेंसी क्या होनी चाहिए, एस या तो डबल एस ले लो या ए एस ए ले लो। ठीक है, तो बात एक ही रहती है, आप इसे ए एस ए भी डबल एस भी बोल सकते हो, और आप इसी कॉन्ग्रेंसी को ए एस ए भी बोल सकते हो। चलो अब हमारे पास डबल एस कॉन्ग्रेंसी या ए एस ए कॉन्ग्रेंसी है। ठीक है, तो अब हमारे हिसाब से क्या क्या एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल ए इक्वल है किसके, अब देखो मैं समझाता हूँ आपको। बेसिकली सबसे पहले ना एक साइड इक्वल करनी पड़ती है इसके अंदर, कोई एक साइड आपको बराबर करनी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले एक साइड लिखूंगा ए बी इक्वल है किसके, बी क्यू के। अब डबल एस कॉन्ग्रेंसी में कोई से भी दो एंगल्स इक्वल हो सकते हैं और एक साइड इक्वल हो सकती है ना। तो दो, एक साइड इक्वल कर दिया आपने, अब आपने कह रहा है कोई से भी एंगल इक्वल कर दिया, एंगल ए और एंगल बी इक्वल कर दिया, एंगल बी और एंगल आपने क्यू इक्वल कर दिया, कोई से भी हो सकते थे, एंगल सी और एंगल आर भी हो सकते थे, है ना। तो डबल एस कॉन्ग्रेंसी बड़े आराम से लग जाती है। तो तीन कॉन्ग्रेंसी इजी कॉन्ग्रेंसी है, इनमें कोई हाइटोपा नहीं है, इजी कॉन्ग्रेंसी है। अब हमारे पास एक ना बड़ी ट्रिकी कॉन्ग्रेंसी है, हाँ RHS ये फोर्थ वाली कॉन्ग्रेंसी है हमारी, है राइट आर एच एस। आर एच एस का मतलब क्या है कि नेसेसरी कंडीशन है कि एक होना चाहिए राइट एंगल, एक एंगल राइट एंगल होना चाहिए। अब ये नेसेसरी कंडीशन है, और एक राइट एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होनी चाहिए, हाइपोटेनस मैं बना देता हूं, मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है, ये दो कंडीशन तो पॉसिबल होनी होनी चाहिए, तब जाकर आरएचएस लगती है, वरना नहीं लग सकती। अब देखो कैसे लगती है कि ये, इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ए बी सी है, और पी क्यू आर है। तो सबसे पहले नेसेसिटी क्या है कि राइट एंगल इक्वल होने चाहिए, मतलब बी और क्यू इक्वल होने चाहिए, मतलब आपके पास एंगल बी और आपका एंगल क्यू इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये जो ए सी है और ये जो पी आर है, कुछ और नहीं, कुछ और बेशक इक्वल दे रखो, लेकिन 90 और 90 के सामने वाली साइड, 90 और 90 के सामने वाली साइड इक्वल होनी बहुत जरूरी है। जब ये लगेगी तभी आर एच एस लग सकती है। इसके बाद आप अपनी की मर्जी है जो मर्जी साइड पकड़ लो, चाहे ए बी को पी क्यू के इक्वल दे रखा हो, चाहे बी सी को क्यू आर के इक्वल दे रखा हो, जो मर्जी साइड दे रखी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपने अभी क्या कह दिया कि ए बी और पी क्यू इक्वल है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ए बी और पी क्यू इक्वल है। ठीक है, तो ए बी और पी क्यू इक्वल है, आप आंख बंद करके आर एच एस कॉन्ग्रेंसी लगा दो उसके अंदर। ठीक है जी, नेसेसरी कंडीशन है एक राइट एंगल और एक हाइपोटेनस, कोई डाउट नहीं आता, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसका असाइनमेंट बनाकर दूंगा, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, कर पाओगे। तो यस भाई सर। जब तेरे को याद आया तो बता दी, हुई मैंने मजबूरी करा तेरे को। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर। चलो जी, अब मैं आपको अगली चीज सिखाता हूँ, अब आपका डाउट्स लेके चलता हूँ। चलो जी, हम सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर आपका जो आपसे नहीं हो पाया पहले वो क्वेश्चन बताओ। देखो क्वेश्चन गलत था उसकी बात मत करना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए हो, दो असाइनमेंट आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम के मैंने दिए हैं, पहला मकसद आपके डाउट सॉल्व करना है। हम आपके टेस्ट पेपर, हम आपको जब टेस्ट लेंगे तो चेक कर ही लेंगे, आपको गलतियां हम आपकी निकाल ही देंगे टेस्ट में, प्रैक्टिस के अंदर हम आपके से आपके डाउट्स बता सकते हैं। बोलो ना क्या डाउट है। जो आपने कल भेजी थी असाइनमेंट अरे यार तू डाउट बोल पहले, पुराने वाले शीट में कोई डाउट है ये बताओ। उसमें नहीं। देखो वेडनेसडे को आपको असाइनमेंट दी गई थी, उसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं हो पाया तो बताओ। सर मेरे सारे हो गए थे, बस वो क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दिया, बट आंसर जो आपने 6 का भेजा था वो मैच नहीं किया। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन उनकी सॉल्यूशंस के साथ भेजे हैं, और मतलब उनका कोई सॉल्यूशन आपका मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं करता हो तो मुझे बताओ। मैं आपको जो ना केवल क्वेश्चन दे रहा हूँ बल्कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आपको सॉल्यूशंस भी बाद में भेजता हूँ, जिससे कि आप चेक कर पाओ कि आपका मेथड ठीक है या नहीं है। किसी क्वेश्चन में डाउट है, कौन सा क्वेश्चन जल्दी बोल। क्वेश्चन नंबर 6 वो आपने उसको भाई बस आगे मत बोल, क्वेश्चन नंबर 6 बोल, आ गया बोल क्या क्वेश्चन है। रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज 4:7। देखो रेडियस और स्लांट हाइट, रेडियस है और स्लांट हाइट है, इनका रेशो कितना है, 4:7। देखो रेडियस का और स्लांट हाइट का रेशियो गिवन है, मैं एक काम करता हूँ इसको पूरा हटा देता हूँ, पहले कंट्रोल ए, मैम राइट एंगल और हाइपोटेनस मिल गई, उसके अलावा कोई भी साइड हो राइट एंगल हाइपोटेनस कंपलसरी है। भाई डिलीट को नहीं हुआ अभी तक। चलो जी, ऑल्टरनेट एंगल से तो बोलते हैं। चलो देखो सुनो, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है असाइनमेंट का, कि एक है रेडियस और एक है स्लांट हाइट, और इनका रेशियो गिवन है कितना, 4:7।
फोर और सेवन का रेशियो गिवन है, ठीक है। फिर इफ सी एस ए 792, अगर इसका सी एस ए कितना है, 792 है, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, फाइंड रेडियस, रेडियस पता करनी है। देखो भाई, हमारे पास रेडियस और स्लांट हाइट 4:7 के रेशियो में है, तो रेडियस कितना होगा आपका 4x, और स्लांट हाइट एल कितनी होगी आपके पास 7x, है ना। अब सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल इज इक्वल्स टू कितना आपके पास में, 792। अब देखो ये हो गया आपके पास में 22 अपॉन में 7, रेडियस आर की जगह पे क्या लिखोगे 4x, और स्लांट हाइट एल की जगह पे क्या लिखोगे 7x, इज इक्वल्स टू कितना लिखोगे 792 लिखोगे, हाँ है ना, बढ़िया। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, 4 × 22 कितना होगा 88x² इज इक्वल टू 792। तो आपका जो एक्स स्क्वायर है 792 अपॉन में 88 बन जाएगा। अब आपने क्या करा, 2 से काटा, या आप इसे 4 से काट दो डायरेक्ट, 22 4 से काटो, 4 बन जा 4, 39 4 9 जा 36, ठीक है जी, और 32 4 8 जा 32, 2 से काट दो 11 99, 11 से काट दो कितना हो गया आपके पास 9। तो आपके पास x का स्क्वायर कितना बन गया भाई, x का स्क्वायर आपके पास 9 बन गया। तो अब आप ही बताओ कि 9 किस चीज का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर। तो आपने कहा x का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कट जाएंगे तो x कितना बचा, 3 बचा। अब आपकी रेडियस कितनी थी, 4x, 4x का मतलब 4 × 3 कितना, 12 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी थी, 7x, 7x का मतलब 7 × 4 कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। क्या बात कर रहे हो, 21, अच्छा सॉरी, हाँ आप सही कर रहे हो, मैंने 4 लिख दिया उसको, सही कर रहे हो आप। 7 × 3 कितना होगा 21, ये कितना होगा सेंटीमीटर, कोई डाउट याद है। अब l का स्क्वायर कितना होता है, r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, h का स्क्वायर, l का स्क्वायर कितना होगा 21 का स्क्वायर, r का स्क्वायर कितना होगा 12 का स्क्वायर, और ये होगा h का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना हो गया, शाबाश, 12 का स्क्वायर 144 प्लस h का स्क्वायर 441, में से 144 को माइनस करो, बताओ भाई 441 माइनस 144 कितना होगा, 11 में से 4 गया 7, अभी हो गया 3, 13 में से 4 गया कितना हो गया 9, यहाँ से रह गया 3, है ना, 3 में से 297, तो h का स्क्वायर कितना हो गया 297। वैसे पूछा नहीं है इन्होंने, लेकिन क्या पूछा इस क्वेश्चन में, रेडियस, बस रेडियस से आंसर निकला है, लेकिन अगर कभी h भी पूछा जाएगा तो आप h भी निकाल पाओगे, मैंने आगे का मेथड आपको समझा दिया है, क्लियर यहाँ तक का। अच्छा अब आपको एक असाइनमेंट मैंने और दिया था, मतलब एक असाइनमेंट मैंने आपको और शेयर किया है अभी, सरफेस एरिया वॉल्यूम का, मुझे उसके भी डाउट पूछो आप। क्वेश्चन नंबर 13, देखो बच्चों मेरे असाइनमेंट्स पे बिल्कुल फोकस करना, मेरे असाइनमेंट जैसे ही टीचर ने क्वेश्चंस मैंने देखा है बनाए हैं, कितनी बार मैंने देखा है आपके पास में कि टीचर्स उसी उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को छाटती है जिन्हें बच्चे छोड़कर आते हैं, उन सबको मैंने इकट्ठा करके असाइनमेंट बनाए हैं। अब जैसे रेडियस और स्लांट हाइट का क्वेश्चन हो गया, ये बच्चे करते नहीं है, छोड़ देते हैं, और टीचर ऐसे क्वेश्चन दे देती है एग्जाम में, तो ये आपको देखो सीधे सीधे क्वेश्चन सबको आते हैं निकालने, रेशो वाले क्वेश्चन से बच्चे भागते हैं, तो मैं आपको कराता हूँ, आप मुझसे पूछा करो। चलो बोलो अगला 13 क्या है, तो डाउट क्या है, यार मेरे को तेरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो क्वेश्चन की गिवन तक नोट नहीं करता, क्या फाइंड करना है तेरे को पता नहीं, तो तेरा डाउट होता है क्वेश्चन, यार ये क्या तरीका होता है। शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर, ठीक है, हाँ, एंड टू एडजेसेंट पोल्स ऑफ अ क्यूबॉइड, हाँ, LB LH और BH, हाँ, Is the square of its volume? ये वॉल्यूम का स्क्वायर है, ये शो करना है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है कि फ्लोर का एरिया और एडजेसेंट वॉल्स के एरिया को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वॉल्यूम का स्क्वायर निकल कर आएगा, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। सुनो मैम रुको ना, तो देखो आपने क्या लिखा, पहले आपने लिखा फ्लोर
मल्टीप्लाई में लिखा आपने वॉल नंबर वन, मल्टीप्लाई में क्या लिखा आपने वॉल नंबर टू, ठीक है मैम। अब मैम फ्लोर क्या आपका एलवी, एक क्या वॉल होती है एलएच वाली वॉल और एक क्या होती है आपके पास बीएच वाली वॉल, तो ये क्या बन गया एल का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एच का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया आपके पास पूरे एल बी एच का होल स्क्वायर बन गया। अब एल बी एच क्या होता है वॉल्यूम, वेरी गुड, देखो ठीक है आपने, तो ये क्या मैम सही है आपका लेकिन आपको इसने प्रोडक्ट बोला इसने, वो आपसे कह रहे हैं कि एरिया ऑफ एडजेसेंट वॉल, क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन कहता है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ फ्लोर एंड प्रोडक्ट, हाँ अब अगर टू एडजेसेंट वॉल्स की एरिया को प्लस करोगे तो सीएसए बनेगा, लेकिन वो क्या करेगा कि इनको मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट करो, तो आंसर ये बनना चाहिए, इस तरीके से करिएगा आंसर निकलेगा, ठीक है। कोई डाउट आया था किसी का? नो सर। पक्का किसी का कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो जी अब आपको अगली चीज मैं दे रहा हूँ उसको स्टार्ट कर दो करना।